हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके फॉर फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड, आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जो जेई 2023 सेशन 2 का एग्जाम दे चुके हैं और सेशन 1 का भी दिए हैं। तो फाइनली अब आपका रिजल्ट जो आंसर की है जेई मेंस सेशन 2 का, वो आज और कल में आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? तो नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमें काउंसलिंग के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडीनेस रखना है, ताकि आपको उस समय परेशानी न झेलना पड़े, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत है इन केस अगर आपका कट ऑफ या फिर आपका परसेंटाइल कम भी आता है। तो आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर आप रख रहे हैं या फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको काफी अच्छा कॉलेजेस मिल जाएगा, NIT भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रायर रेडीनेस है लास्ट मोमेंट से बचने के लिए। तो इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो प्लीज, जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे फ्रेंड। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले जेईई मेन 2023 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो आपको दो चीज याद रखना है, काउंसलिंग के टाइम में आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना है, और वही सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में आपको जब एडमिशन लेने जाएंगे फिजिकली आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो आप अपलोड कीजिएगा वो आपके पास हार्ड कॉपी में पहले होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है एकेडमिक में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो एकेडमिक में कुछ नहीं, 10th का मार्कशीट चाहिए होगा आपको और 12th का मार्कशीट आपको चाहिए। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप अपने ओरिजिनल सॉफ्ट कॉपी बना के रखिएगा फ्रेंड, ताकि उस समय आपको खोजना ना पड़े। सेकेंड जो पॉइंट है, सर्टिफिकेट कौन कौन सा आपको चाहिए। तो सर्टिफिकेट हम दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो पहला पार्ट क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और सेकेंड क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जोसा काउंसलिंग के लिए आपको लगेगा। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है, तो सबसे पहले अगर आप जिस स्टेट से क्लास 12th किए हैं वो भी डोमिसाइल में आ जाएगा, या फिर अगर आप यूपी के हैं, या फिर बिहार के हैं, या फिर मध्य प्रदेश के हैं, और अगर आप 12th आपने दिल्ली से किया है या फिर आप बैंगलोर से किए हैं, तो आपका डोमिसाइल आप यूज कर सकते हैं यूपी का या बिहार का या एमपी का। तो वो फायदा है आपको डोमिसाइल, अगर आपको जरूरत पड़ेगा जोसा काउंसलिंग में तो आप लगा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और डोमिसाइल क्या होता है, जहां पे आपका रेसिडेंशियल है, जहां आप मोर देन 15 ईयर्स अप्रोक्स आप रह रहे हैं या फिर 10 ईयर्स, तो वो आप उस स्टेट के डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपके पास जनरल EWS है, तो इसका आपको सर्टिफिकेट जिस बच्चे के पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो प्लीज बनवा ले, और लेटेस्ट चाहिए आपको सर्टिफिकेट, यानी 1 अप्रैल 2022 के बाद वाला चाहिए, ये ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2022 से पहले वाला आपको नहीं यूज होगा, तो प्लीज बी केयरफुल, नहीं तो उस समय आप परेशान हो जाइएगा और कोई आपको जो रिजर्वेशन है, जो बेनिफिट है, आप उससे रह जाइएगा, आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, फिर वो आपके लाइफ को, आपके आने वाले फ्यूचर को वो डैमेज कर सकता है। प्लीज है OBC NCL, इसका भी आपको सर्टिफिकेट बना के रखना है। ओके, SC ST वाले का भी सर्टिफिकेट आपको बना के रखना है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट उस समय रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा सब कैटेगरी क्या है, ठीक है ना। तो सब कैटेगरी में ये आपका UPF, UPSC, UPFF, ये आपने जब फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म फिलअप करने के टाइम में वहां पे एक कॉलम था कि आप एक्स सर्विस मैन आर्मी, कोई भी आपके घर से या आपके पेरेंट्स अगर एक्स सर्विस मैन है, तो आप उसका सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका आपको बेनिफिट मिलता है फ्रेंड। ओके, या फिर आप आपके घर में जो फ्रीडम फाइटर है वो अगर उस कैटेगरी में है, या फिर आपसे रिलेटेड कोई है, तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना पड़ेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। और एक और चीज आपको ध्यान में होगा, फोर्थ पॉइंट की वेटेज, आपने फॉर्म फिलअप करते समय वहां पे एक था अर्बन और रूरल का फॉर्म, उसमें था, तो उसमें आपने अगर जो फिल किया है, अगर आप रूरल से मतलब गांव से हैं या फिर रिमोट एरिया से हैं, तो आपको अगर सिलेक्ट किए हैं रूरल, तो अगर आप उसका सर्टिफिकेट रखते हैं, आपको 3% आपको वेटेज मिलता है। मतलब आपका किसी का अगर आपका कट ऑफ आता है या फिर परसेंटाइल कम आता है, ओके, तो आप उसके लिए फॉर्म, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको कम स्कोर में ही आपको ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, NIT वगैरह मिल सकता है।
कोटा के लिए और इंडिया कोटा के लिए ये ध्यान रखना है, स्टेट कोटा के लिए आपको जो था ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, तो इसमें आपको सेंट्रल और स्टेट कोटा दोनों रखना है। अगर इन केस अगर आपको स्टेट में स्टेट कोटा यूज करना है तो फिर आप स्टेट कोटा का जो सर्टिफिकेट है उसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको थ्रू एडमिशन लेना है एनआईटीज में या फिर अदर देन योर स्टेट, तो आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, वो बन जाता है। क्योंकि बेसिक क्या होता है, बेसिक जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट कोटा होता है, उसके उसके आधार पे ही आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अब हम आते हैं, एक है फिफ्थ है इनकम सर्टिफिकेट। आपने देखा होगा फ्रेंड कि करते समय आपसे पूछा गया था कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका इनकम क्या है, क्लियर। तो अगर आपने उसमें जो कैटेगरी है फुलफिल किया होगा तो अच्छा रहेगा, अगर आपने गलत फुलफिल कर दिया होगा तो फिर आप उसका फायदा उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वो बेनिफिशियल है आपके लिए। तो इनकम टैक्स का जो पेरेंट्स का जो इनकम रेंज है, अगर 1 लाख से कम है, मतलब ईयरली 1 लाख से कम है, तो आपको मतलब ट्यूशन फी जो आपको है ना कम से कम या कहीं कहीं तो फ्री में ही आपको आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 लाख से कम है तो आपका फ्री ट्यूशन फी हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही राहत भरी बात होगी, क्लियर। उसके बाद अगर किन्हीं पेरेंट्स का इनकम 1 लाख या 1 लाख और 5 लाख के बीच में है, तो उनका आई थिंक 2/3 यानी 2/3 आपका जो ट्यूशन फी होगा तो उसका 2/3 आपको देना पड़ेगा, 2/3 आपको देना पड़ेगा जब आप कोर्स कर रहे होंगे, तो आपका उतना फी लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय ये आपने सही से पुट किया, ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म फिलअप करते समय मोर देन 1 लाख कर दिया हो और फिर सर्टिफिकेट लगा दिया हो, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अगर वहां पे फॉर्म फिलअप करते समय अगर गलत फिलअप कर भी दिए होंगे तो प्लीज आप लोग जो सर्टिफिकेट बनाएंगे, जो इसका जो फॉर्मेट है वो आपका बैंक का जो स्टेटमेंट होगा, पेरेंट्स का पूरा साल भर का निकाल के दिखाना होगा, इनकम टैक्स वगैरह जो भी दिखाना होगा आपको प्रूफ के साथ, तो आपको आपका फी माफ हो जाएगा। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एससी एसटी के हैं और अगर उनको एनआईटी मिल जाता है तो उनका फ्री ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास बनवा के रख लेना है, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है, क्योंकि अब जो अभी से जो डॉक्यूमेंट बनाएगा वो सब वहां पे एक्सेप्टेड होगा, ऐसा ना हो कि आपको लगेगा कि नहीं 1 महीना पहले या 10 दिन पहले का चाहिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 अप्रैल जो 1 अप्रैल से अभी तक का इनकम टैक्स का भी आप निकलवा लीजिए। ओके, तो ये बहुत ही बेनिफिट है आपके, आपका पढ़ाई इजी हो जाएगा, और बाकी तो आप लोग एग्जाम दिए हैं पता होगा कि कैसा गया है, तो ये परसेंटाइल कम या अधिक आने के बाद का ये ऑप्शन है, तो इस चीज को आप फुल्ली रख लीजिए, लास्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आप बोलिएगा नहीं यार चलो लेते हैं तो फिर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा अभी आप पेन ले लेंगे, थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे, थोड़ा सा एनर्जी लगा देंगे, दौड़ धूप कर लेंगे, तो फिर आपको आने वाला आपका 4 साल, आने वाला 20 साल, आने वाला 30 साल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, कम्फर्ट रहेगा। तो ये आपका था, इस वीडियो को लाने का मकसद यही था कि आपको लास्ट मोमेंट में कुछ भी ना करना पड़े, और जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो हम आपके साथ बने रहेंगे। तो प्लीज जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बने रहिए। ओके, क्योंकि मैं आपको हर पल आपको 2-3 जो सा काउंसलिंग होगा तो 2-3 राउंड में ही आपका क्लियर हो जाएगा, वैसे तो वहां पे 6-7 राउंड होता है, उसके बाद से सीसैब आता है, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही 2-3 राउंड में ही आपको अपना अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, अच्छा ब्रांच सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, और मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 24 आवर्स। तो आप लोग प्लीज कमेंट कर सकते हैं कोई डाउट हो, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे हमको मैं आपको इमीडिएट आपको रिस्पांस दूंगा। ओके, तो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। ओके, और फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, हेल्प मिल जाए, क्लियर। तो अपना भी हेल्प कीजिए, दूसरे को भी हेल्प कीजिए। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय।